जब कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य जब बुद्ध बनने की ओर अग्रसर होता है या अर्हत बनने की ओर अग्रसर होता है तो उसको चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इन चार अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है उसको बोलते हैं सोतापन। सोतापन अर्हत बनने के या बुद्ध बनने के या बोधिसत्व बनने की अवस्था का पहला लेवल या पहला चरण है, जहां वो अपने आप को चेक कर सकता है या कोई उससे ऊंची अवस्था का व्यक्ति देखकर बता सकता है कि अब ये सोतापन होने जा रहा है या नहीं, या हो चुका है या नहीं। सोतापन का मतलब है सोत से संपन्न। सोतापन मतलब सोत से संपन्न। यहां जो सोत है, सोत पाली में कान को भी बोलते हैं, और सोत माने जो पानी का सोत निकलता है, जिसको सोता बोलते हैं, कहीं से पानी रिसता है उसे भी बोलते हैं। तो इसके दो मतलब हैं, लोग दोनों मतलब लगभग एक से हैं। पहला मतलब तो यह है कि कोई सुनने में पड़ गया, यानी किसी ने धम्म को पढ़ा सुना और वो उसमें आगे बढ़ना शुरू हो गया, पड़ गया। दूसरा इसका मतलब है कि सोता का मतलब धार में पड़ गया, पानी के रास्ते पड़ गया, धम्म के रास्ते पड़ गया और उससे संपन्न हो गया। ये दो मतलब आते हैं, मगर इसकी कंडीशन है। सोतापन्न जो व्यक्ति होता है या मनुष्य होता है, या सोतापन्न अगर कोई महिला है तो उसके तीन लक्षण अगर वो कंप्लीट कर लेती है, तीन चीज़ें अगर वो कंप्लीट कर लेती है, तीन बातें अगर वो पूरा कर लेती है या कर लेता है, तो हम कह सकते हैं या कोई उससे ऊंची अवस्था का कह सकता है, या वो खुद भी जान लेगा कि अब वो पहली अवस्था यानी सोतापन्न जिसका नाम दिया है उसमें वो आ गया। पहली अवस्था है सत्काय दिट्ठि। सत्काय दिट्ठि या सत्य काय दृष्टि, यानी काया के सत की दृष्टि। ये सत्काय वर्ड बुद्ध ने, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में जब उनको शरीर के बारे में और अपने बारे में जब ज्ञान प्राप्त हो रहा था और वो ज्ञान को ले रहे थे, सीख रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ों के नाम उन्होंने खुद भी बनाए हैं, क्योंकि उससे पहले ये जो नॉलेज थी, ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये किसी के पास थी नहीं। इसलिए इसके जो बहुत सारे पड़ाव आए, बहुत सारे जो बीच बीच में जो ब्रेक आए या बीच बीच में जो पॉइंट आए, उनके नाम उन्होंने खुद बनाए। ये सत्काय नाम भी उन्हीं का बनाया हुआ नाम है। तो सत्काय मतलब है सत्य काया और दृष्टि माने देखना, यानी काया को सत्य रूप से देखना। अब सत्य रूप से काया को देखना, जो विपश्यना करने वाले लोग हैं, जो धम्म सीखने वाले लोग हैं, उनका मतलब अलग है और आम आदमी का अलग है। आम आदमी के हिसाब से तो वो ये है कि काया सामने दिखाई दी, काया का मतलब शरीर है, बॉडी है, मनुष्य की बॉडी दिखाई दी या अपना शरीर दिखाई दिया और वो देख लिया, सत्य हो गया, सत्य है हमारे सामने, बात खत्म हो गई। मगर विपश्यना या धम्म में, या जो आगे बढ़ना चाहते हैं धम्म के रूप में, उनके लिए इसका मतलब अलग है। इसका मतलब ये है कि आपका जो शरीर है और जो शरीर में मन है, इसको आप अच्छी तरह से देखें कि ये काम कैसे कर रहा है। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि जैसा आपने इसको इनपुट दिया वैसा ये आपको आउटपुट देगा। अगर आपने गर्म पानी पिया तो आप देखेंगे कि आपका शरीर गर्म हुआ। आपने ठंडा पानी पिया तो आपको दिखाई देगा कि महसूस होगा कि आपका शरीर ठंडा हुआ। आपको अगर किसी, आपके मन में अगर किसी के प्रति गलत विचार आया तो आप देखेंगे कि आपके शरीर ने क्या रिएक्ट किया। आपके आपके मन में अगर किसी के प्रति अच्छा बात आई तो आप देखेंगे कि आपके शरीर ने कैसा काम किया, या शरीर पे कोई पड़ने वाला प्रभाव मन पे कैसे बदलता है। इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं। जो इनको सत्य रूप से देख लेता है उसको सत्काय दिट्ठि बोलते हैं, या सत्य काया दृष्टि बोलते हैं। तो जो इसको देखना सीख लेता है, विपश्यना में ये सिखाया जाता है। जब हम विपश्यना के एपिसोड बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला लेवल ये है सोतापन्न का, पहला लेवल। दूसरा है विचिकित्सा या विचिकित्सा, पाली में हम कहेंगे इसको तो यह है विचिकित्सा, या अगर इसको संस्कृत में कहेंगे जो बाद में बनी भाषा है तो यह है विचिकित्सा। विचिकित्सा या विचिकित्सा का मतलब होता है संदेह होना, यानी कोई अगर संदेह से परे हो जाए। संदेह क्या, डाउट क्या है? डाउट और संदेह यह है कि जिस मार्ग पर वो चल रहा है, जो रास्ता उसे सिखाया जा रहा है, या जो रास्ता पहले से बहुत लोगों ने चेक किया हुआ है, या जो बहुत लोग इस रास्ते पर चल के अर्हत हो गए, मोक्ष प्राप्त हो गए, सेल्वेशन प्राप्त हो गया, जीते जी दुखों को मुक्त हो गए, सुखी हो गए, परमानेंट सुखी हो गए, ये रास्ता संदेशों से
भरा हुआ नहीं है। अब मैं इसको संदेशों के सारे संदेह जितने भी हैं, डाउट्स हैं, क्लियर हो गए हैं, दूर हो गए हैं। अगर ये बात वो पक्की तरह से समझ लेता है और जान लेता है, अच्छी तरह से खोज खबर कर लेता है इसकी, और उसको कोई संदेह नहीं रह जाता, तो ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण है कि अगर वो बुद्ध धम्म और संघ की शरण को स्वीकार कर लेता है तो, और सील समाधि से युक्त हो जाता है, यानी बुद्ध की, बुद्ध का मतलब है बोधिसत्व, यानी कि बोधि की जो शरण है, बोधि की जो बात है, जो शरण है, जो वो सिखा रहे हैं वो, और जो प्राकृतिक नियम है, धम्म है वो, और जो ऐसे लोगों का समूह है वो, उनमें अगर वो यकीन रखता है, उनको मानता है, विश्वास करता है, और सील और समाधि में, यानी कि जो सील जितने भी बताए हैं बुद्ध ने और जो बाद में लिखे भी गए हैं उनमें, सील का मतलब सही काम करने का नियम, वो अगर, और समाधि जो सही तरीके से शरीर को देखने की, ध्यान करने की विधि है, अगर वो उसमें पारंगत होना शुरू हो जाता है, ऐसे तीन गुण अगर जिसमें आ जाते हैं तो उसको कहते हैं कि ये व्यक्ति अब सोतापन हो गया। सोतापन जो व्यक्ति हो जाता है वो मैक्सिमम 7 बर्थ यानी 7 बार और इस पृथ्वी पे जन्म लेगा। 7 बार जन्म लेने के बाद में फिर उसका जन्म नहीं होता, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।